हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने एक यंग इंडियन प्लेयर को अपनी टीम में साइन कर लिया है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड के बारे में क्या अपडेट है, डूरन कप 2023 में क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ जाने वाली है या फिर नहीं, सारा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो खबर आ चुका है ऑफिशियली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के तरफ से कि बेंगलुरु एफसी के 19 वर्षीय सेंट्रल फॉरवर्ड के खिलाड़ी हुईद्रोम थोईसिंग को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने साइन कर लिया है। तो हुईद्रोम थोईसिंग काफी ज्यादा यंग है, मात्र 19 वर्ष के ही है। तो ये यंग खिलाड़ी को हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कलर्स में आने वाले सीजन से देख पाएंगे। और उसके बाद अगले खबर के बारे में बात करें तो यह है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड को लेकर। तो दोस्तों डूरन कप 2023 में अपना पहला मैच खेलने वाली है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपने ही होम ग्राउंड में शिलोंग लाजोंग एफसी के खिलाफ 4 अगस्त को। तो दोस्तों डूरन कप 2023 का जो स्क्वाड था ओडिशा एफसी ने अनाउंस कर दिया है और पूरा यंग स्क्वाड जा रहा है और ऑलमोस्ट सारे ही आईएसएल के क्लब्स के तरफ से सीनियर स्क्वाड ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि अभी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड को लेकर खबर है कि कोच जुआन पेड्रो बेनाली अपने सीनियर स्क्वाड के साथ ही जाने वाले हैं और अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आया है कि जुआन पेड्रो बेनाली फॉरेनर प्लेयर्स को इसमें यूज़ करेंगे या फिर नहीं। तो अभी तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 4 ही विदेशी खिलाड़ी को साइन किया है तो और 2 विदेशी खिलाड़ियों का साइनिंग कंप्लीट होना बाकी है। तो अब देखना यह है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मेन स्क्वाड क्या होता है 2023 के डूरन कप के लिए। तो चले दोस्तों फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।